अजीज तलबा, मैं प्रोफेसर मोहम्मद रिजवानुल्ला, उर्दू डिपार्टमेंट, जैन कॉलेज आरा। आज का लेक्चर एमए उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा के लिए है और ये चौथे पर्चे का लेक्चर है जिसका टॉपिक है हयात जावेद। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हयात जावेद आपके सिलेबस में आप देखेंगे कि आपके चौथे पर्चे में पहली किताब है। ये मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है और ये सर सैयद की समान हयात है। आप जानते हैं सर सैयद के बारे में कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया था, वो उसके बानी हैं। इल्ताफ़ हुसैन हाली उनके हम असर भी थे और बहुत उनके मद्दाह भी थे। सर सैयद के इल्मी कारनामों को और उनके जो सियासी और समाजी जो खिदमात हैं उनको बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी एक ऐसी समान हयात लिखी जाए जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे और उनके कारनामों को ज़िंदा रखे। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा हयात जावेद, यानी हमेशा ज़िंदा रहने वाली शख्सियत या हमेशा रहने वाली हयात। हाली ने हयात जावेद को दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में क्या है, पहले हिस्से में उन्होंने सर सैयद के ख़ानदान और उनके बचपन के हालात लिखे हैं। यूँ समझिए कि पहले हिस्से में उन्होंने सर सैयद के हालात ज़िंदगी को बयान किया है, उनका बचपन, फिर उनका ख़ानदान, फिर उनकी तालीम तरबियत वगैरह। तो पहले हिस्से में उन्होंने सर सैयद के ख़ानदान और उनके बचपन के हालात लिखे हैं। उन्होंने सर सैयद के अहद जवानी का नक्शा भी पेश किया है, लेकिन इस सिलसिले में कुछ हकायक से चश्मपोशी भी की है। किन हकायक से चश्मपोशी की है, शायद उन्होंने ये सोचा हो कि इन बातों से सर सैयद की अजमत पर हर्फ आएगा, लेकिन अगर वो तमाम बातों को लिखते तो समान हयात ज़्यादा दिलचस्प हो जाती। जबकि सर सैयद ने खुद एतराफ़ किया है कि उन्होंने लड़कपन में कबड्डियाँ खेली और कबूतर उड़ाए, बल्कि नाच और मुजरे भी देखे। इसमें कोई ऐब की बात नहीं है कि बड़ी शख्सियत तो जब वो बड़े होने के बाद फिर वो शख्सियत बनती है और वो अजीम होती है, लेकिन बचपन में या शुरू में तो तकरीबन तमाम की ज़िंदगी यकसां होती है। तो सर सैयद भी अपने बचपन में कबड्डी खेलते थे, उनके नाच मुजरे भी देखते थे, कबूतर उड़ाते थे, लेकिन हाल ही ने शायद इसको लिखने से इसलिए गुरेज किया हो कि उनकी अजमत पर फ़र्क आएगा, जबकि ऐसी बात नहीं थी, वो लिख सकते थे इस बात। हयात जावेद के पहले हिस्से में हाल ही ने सर सैयद की मुलाजिमत और अंग्रेज़ों की रफाकत का जिक्र तफसील से किया है। आप जानते हैं कि वो अंग्रेज़ों से करीब थे, सर सैयद उनसे मेलजोल रखते थे और जाहिर सी बात है उनका ताउन हासिल करके ही उन्होंने इतना बड़ा इदारा कायम किया। तो उन्होंने हाल ही ने सर सैयद की मुलाजिमत का भी जिक्र किया और अंग्रेज़ों की रफाकत यानी उनकी दोस्ती का भी उन्होंने बयान किया। ये दास्तान तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बहुत ज़खीम किताब है, ये 300 सफ़े पर मुश्तमिल है। हयात जावेद के दूसरे हिस्से में हाल ही ने सर सैयद के कारनामों को बयान किया है। तो पहले हिस्से में तो उनकी ज़िंदगी होगी, उनके हालात होंगे, लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने जो उनके कारनामे हैं, उनकी इल्मी खिदमात हैं या उनकी समाजी खिदमात हैं, उनका जिक्र किया है। सर सैयद की ईमानदारी, दयानतदारी और आज़ाद ख्याली पर भी रोशनी डाली है और सर सैयद की मजहबी खिदमात का भी जायज़ा पेश किया है। जाहिर है सर सैयद की शख्सियत हमारी हर शख्सियत थी, मजहबी पहलू भी उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। तो उनकी मजहबी खिदमात को भी उन्होंने अब इस सवाने में जगह दी है, इस सवाने में हयात में पेश किया है। उन्होंने हयात जावेद को अदबी और तनकीदी नुक्ते नज़र का हामिल बना दिया है, इसलिए हयात जावेद टेक्निक के एतबार से भी बेहतर है। हालांकि उस ज़माने में उर्दू में क्रिटिकल बायोग्राफी का रिवाज नहीं था। हयात जावेद लिखते वक्त हाल ही ने तरतीब का ख्याल नहीं रखा है, पहले हिस्से में उन्होंने तफसील को राह दी है तो दूसरे हिस्से में इख्तिसार से काम लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और किताब की ज़खामत बढ़ गई जिसकी वजह से कारी को उकताहट महसूस होती है। या आप कह सकते हैं कि इस समान हयात का थोड़ा सा ऐब है ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फैला दिया है और इसी वजह से कारी को उकताहट महसूस होती है, लेकिन इसको फैलाने का एक बड़ा सबब यह है कि हाल ही ये चाहते थे कि कोई पहलू सर सैयद का उनसे छूटे नहीं, हर पहलू का अहाता वो करना चाहते थे
इसलिए उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं रखा। कहीं पर तकरार भी हो गई तो भी उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन उस पहलू को समझने की कोशिश की। यही वजह है कि दोनों हिस्सा, किताब का दोनों हिस्सा काफ़ी मुफस्सल है और उसमें तफसील से बातें बयान की गई। हयात जावेद सर सैद की सवान हयात ज़रूर है, लेकिन ये खुद नविश्त नहीं है। इस बात को समझिए कि खुद नविश्त सवान हयात और सिर्फ सवान हयात में फ़र्क होता है। खुद नविश्त सवान हयात होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसको इंसान खुद अपने बारे में लिखता है। तो सर सैद ने इसको खुद अपने बारे में नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी नहीं कह सकते हैं, बल्कि आली ने लिखा है सर सैद के बारे में, तो इसको बायोग्राफी कह सकते हैं। ये सिर्फ हयात जावेद सर सैद की सवान हयात है, खुद नविश्त सवान हयात नहीं। हयात जावेद की तवालत का सबब हाली ने ये बताया है कि सर सैद अपनी ज़ात में कंजुमन थे, इसलिए उनकी तमाम खूबियों को तफसील से बयान करना लाजमी था, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर ज़रूरत थी भी तो इसका बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं था। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हाली ने गोया इसका जवाब पैदा किया है, तवील बयानी का, अपने तवील बयानी का यह जवाब पैदा किया है कि चूँकि वो अपनी ज़ात में सर सैद अपनी ज़ात में कंजुमन थे और उनकी ज़िंदगी, उनके कारनामे कई पहलुओं पर मुहित थे, इसलिए सबका अहाता करना लाजमी था, इसलिए यह तवील होना फितरी है और गैर ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो चाहते तो इसको मुख्तसर भी कर सकते थे यहाँ, और अगर उसके तकरार से गुरेज करते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। इसीलिए अल्लामा शिबली ने हयात जावेद पर तनकीद भी की है और इसे मदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है। मदल्लल मद्दाही का क्या मतलब होता है? मदल्लल मद्दाही का कि सिर्फ आप तारीफ़ और तौसीफ बयान कीजिए। इसी पर शिबली ने, अल्लामा शिबली भी हालांकि सर सैद के हम असरे थे, हाली के भी हम असरे थे, और उनको भी सर सैद से अकीदत थी, बहुत दिनों तक उनके साथ काम करने का मौका भी मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस समान हयात पर यह कहते हुए तनकीद की कि इसमें सिर्फ तारीफ़ बयान की गई है, मदल्लल मद्दाही है, और कहीं पर भी इसमें सर सैद के कमज़ोर पहलुओं की तरफ इशारा नहीं किया गया है। ताहम मेरे ख्याल में शिबली का यह कौल इंतहा पसंदाना है, इसलिए कि हाली ने सर सैद के सिर्फ अखलाकी पहलू पर ही रोशनी नहीं डाली है, बल्कि उनके अयूब भी बयान किए हैं। मसलन उन्होंने सर सैद के आखिरी उम्र में ज़िद्दी होने का जिक्र किया है, खा वो दबे लहजे में ही क्यों न हो। सवान निगार आम तौर पर अपने हीरो से अकीदत रखता है, हयात जावेद इसी अकीदत का इजहार है। देखिए, शिबली ने तो ये कह दिया ज़रूर कि मदल्लल मद्दाही है, लेकिन एक ऐसी मिसाल ज़रूर मिलती है कि उन्होंने इसके कमज़ोर पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया है हाली ने, और चुनांचे सर सैद के ज़िद्दी होने का जिक्र किया है, अगरचे बहुत दबे लहजे में किया है, लेकिन इशारा ज़रूर है इसकी तरफ, इसलिए इसको मदल्लल मद्दाही कहना शायद मुकम्मल सही नहीं होगा। शिबली ने हयात जावेद को किताबुल मनाकिब तो कह दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई दलील पेश नहीं की। शायद शिबली ने इसके एक पहलू पर ज़्यादा तवज्जो दी होगी, इसलिए किताबुल मनाकिब कह दिया, यानी सिर्फ तारीफ की किताब, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई दलील पेश करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। शिबली का यह कौल नज़रियाती इख्तलाफ़ पर मबनी मालूम होता है। हाल ही में सर सैद की ज़िंदगी की कोई अहम तफसील नज़रअंदाज नहीं की, उन्होंने अपने हीरो से मुतालिक वो बात भी लिख दी जो शिबली शायद नहीं लिख सकते थे। देखिए, हाल ही और शिबली में फ़र्क ये था कि शिबली को नज़रियाती इख्तलाफ था, सर सैद थे। मुमकिन है कि इसी नज़रियाती इख्तलाफ की बिना पर उन्होंने इस किताब के बारे में ऐसी राय का इजहार किया है जो हाल ही नहीं कर सकते थे। मसलन, अंग्रेज़ों से उनकी मेल जोल की सरगुजश्त, मगरबी तमद्दन के मुतालिक उनका इंतहा पसंदाना नज़रिया और मजहबी इश्तहादात में उनकी बेरहरबी वगैरह, ये हाल ही की दयानतदारी की वाज़ह मिसालें। हालांकि हमें इस हकीकत को भी तस्लीम करना चाहिए कि हाल ही ने अपने ही बनाए हुए उसूलों की बाज़ मौक़ों पर खिलाफ वर्जी भी की है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ मशरक़ी आइन शराफत की पासदारी में किया है। हाल ही का मामला देखिए ये था कि वो एक मशरक़ी मुसन्निफ थे, और मशरक़ में जो शराफत का एक और वज़ादारी का जो एक उसूल है वो उसको वो उसकी खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनकी शराफत और वज़ादारी की झलकियाँ इस किताब में भी जगह बजगह नज़र आती हैं। हाल ही की सलामत तबा और मुतदिल मिजाजी के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, उनकी कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उनमें मुतदिल मिजाजी मिलेगी और सलामत तबा मिलेगी। सबसे बड़ा सबूत तो खुद हयात जावेद है, जिसमें उन्होंने शराफत का बुलंद मेयार पेश किया है। शराफत का बुलंद मेयार यही है कि उन्होंने अगर किसी सर सैद के कमज़ोर पहलू की तरफ इशारा किया है,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम तनकीद कर दी है और इसके लिए उसको बुरा भला कह रहे हों, ऐसी बात नहीं है। इशारा कर दिया कि इनकी तरफ ये कमज़ोरी है और ये पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत शराफत के साथ पेश किया है, जो एक मशरिक का गोया एक नमूना है। वो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि उनके कलम से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के दिल को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। इसीलिए खूबियों को तो तफसील से खुल के बयान करते थे, लेकिन अयूब की तरफ सिर्फ इशारा करके गुजर जाते थे। शायद इसीलिए शिबली ने इस किताब को किताबुल मनाकिब कह के गोया इस पर तनकीद की। लहजा की यह शराफत उनकी तबी फयादी की दलील है। हाल ही के इस असलूब बयान का यह कुदरती नतीजा है कि उनकी तहरीरों में जोश बयान की खासी कमी है। उनकी नसर पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि उनका कल्ब जिंदगी की सब हालतों में यकरंग सा नज़र आता है। इसलिए चूँकि देखिए वो जज्बाती नहीं थे और जोश में कभी नहीं आके लिखते थे, इसलिए उनके यहाँ जोश बयान अगर तलाश किया जाए तो वो कभी नहीं मिलेगी। जोश बयान उनके यहाँ नहीं है इसलिए कि जज्बातियत उनके यहाँ नहीं थी। एक शराफत है, वज़ादारी है, इसलिए बहुत ही गोयारवा दवा असलूब में हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कह के गुजर जाते हैं और हर हालत में गोया यकरंग रहते हैं। एक दर्दमंद आदमी का मीठा मीठा तबस्सुम है और बस। यही वजह है कि वो गदर जैसे हवलनाक वाक़िया का जिक्र भी बहुत ठंडे और हल्के अंदाज में करते हैं। देखिए गदर का इतना बड़ा वाक़िया हुआ और इस वाक़े को लिखने में गोया जज्बात निगारी के बहुत से मौक़े मौजूद थे। वो चाहते तो खुल के इस पर तनकीद कर सकते थे, लिख सकते थे, जोश बयान की गोया इंतहा तक जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने उसी शराफत से काम लिया और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में भी इस अजीम और गोया हवलनाक वाक़े का जिक्र करके गुजर गए। हयात जावेद में अमली दुनिया की आम बातों के अलावा सर सैद के इल्मी कारनामों का भी तफसील से तस्करा है। ये बहुत अहम बात है कि हाल ही उनके साथ थे और ख़ुद भी एक बड़े आलिम थे और सर सैद ने जितने इल्मी कारनामे हैं सब उनके पेश नज़र थे। उनमें तफसीर है, हदीस है, फ़िक़ह है, इल्म कलाम है, तारीख़, सीरत, फ़लसफ़ा, अख़लाक़, समाने, जोड़ापिया, सोफ़े समावी वगैरह सब शामिल हैं। इन सब में हाल ही का कलम उसी हमवारी और इतदाल के साथ रवा दवा नज़र आता है जो उनकी तहरीरों का खादसा है। इतने मुख्तलिफ मौजूआत पर सर सैद ने किताबें लिखी हैं या सर सैद के मज़ामीन वगैरह सब बिखरे हुए हैं। इनका अहाता करना सिर्फ उनके हम असर अगर होते हाल ही तो शायद मुमकिन नहीं था। वो ख़ुद भी एक आलिम थे और उन तमाम चीज़ों पर निगाह थी उनकी, इसीलिए उन्होंने सर सैद के इल्मी कारनामों का भी तफसील से अहाता किया है और इस मौजू के साथ गोया बहुत इंसाफ भी किया है। अगरचे ये ख्याल कुछ गलत नहीं कि तर्ज बयान में हाल ही अपने ममदू सर सैद के बाद अमूर में ममासलत रखते हैं, मगर इससे ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं है कि उनके और सर सैद के तर्ज बयान में कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, उनके और सर सैद के दरमियान लिखने में बहुत मुमासलत मिलती है, यकसानियत मिलती है, लेकिन ये कहना कि दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है ये भी कहना गलत होगा। अलबत्ता ये तस्लीम किया जा सकता है कि हाल ही के यहाँ सर सैद के बयान की ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ज़्यादा सस्ता सूरत मिलती है। आप दोनों की तहरीर को सामने रखें, सर सैद के लिए और हाल ही के लिए, तो सर सैद से ज़्यादा मतलब तरक्की याफ्ता सूरत आपको नज़र आएगी हाल ही के। सर सैद की तहरीरों में ना हमवार तरकीबें और नागवार अल्फाज आम होते हैं, उनकी नज़र हमेशा मकसद और मतलब पर होती है, मगर हाल ही के यहाँ ज़ुबान बयान की सफाई का खासा ख्याल मिलता है। वो नागवार लफ्ज़ों और तरकीबों से अमूमन बचते हैं, इसीलिए हाल ही का बयानिया डिप्टी नदीर अहमद के उस बयानिया से भी ज़्यादा रवा है जिसका इजहार मिसाल के तौर पर इब्न वक्त में हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हाल ही के यहाँ ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूरत मिलती है और ज़्यादा बेहतर सूरत नज़र आती है नसर की, जो सर सैद के नसर में मिलती है। उनके यहाँ ज़्यादा ज़ुबान बयान की सफाई है। हयात जावेद में हाल ही के बयानिया निगारी पर एक चीज़ और भी असरानंदाज हुई है और वो सवान नवेसी का तौसीई तसव्वुर है। ये बहुत अहम नुक्ता है हयात जावेद के बारे में। सवान नवेसी का तौसीई तसव्वुर का मतलब क्या हुआ कि सवाने को सिर्फ उन्होंने हाल ही ने सवान हयात तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इसको उस ज़माने के हालात तक फैला दिया है। जाहिर सी बात है वो सर सैद जैसी शख्सियत पर जब लिख रहे थे तो सर सैद एक आम आदमी तो नहीं थे, वो एक समाजी शख्सियत थे, उन्होंने इतना एक इल्मी शख्सियत थे, इतना बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, तो ये कैसे मुमकिन था कि उस शख्सियत पर वो लिखते और उनके हालात उस अहद के हालात का जिक्र ना आता, उनके इल्मी कारनामों का जिक्र ना आता, उस ज़माने की सियासत का, उस ज़माने के माशरत का जिक्र ना आता, ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए सर सैद की शख्सियत के हवाले से उनकी समाजी ज़िंदगी, उनके माशरती हालात का जिक्र आया है, जिसकी वजह से यह सवाने गोया फैल कर उस अहद की समाजी और माशरती गोया
معاشرتی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے اس زمانے کی۔ سر سید کی زندگی کی سرگزشت ایک معنی میں ہندوستان خصوصاً مسلمانان ہند کی تقریباً ایک صدی کی تاریخ کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے سر سید کو ان کے اصل مقام پر دکھانے کے لیے کچھ ضروری سا ہو جاتا ہے کہ تصویر کے ارد گرد چوکھٹا ضرور لگایا جائے۔ اس خیال کے تحت حالی کا میدان عمل خاصا وسیع ہو گیا ہے، ان کا لکھنے کا عمل بہت وسیع ہو گیا ہے، لہذا انہوں نے مختلف واقعات کے پس منظر پر بھی نظر ڈالی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسی پس منظر پر نظر ڈالنے کی وجہ سے اس زمانے کی معاشرت بھی سامنے آ گئی ہے، پورا سماجی منظرنامہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ ساری تکلیف سوان عمری کے توسیعی تصور کے علاوہ خود کو سچا ثابت کرنے کے اضطراب کی وجہ سے بھی ہے۔ حیات جاوید میں اضطراب کی یہ کیفیت اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے کہ حالی سوان عمری کے یادگاری یا تبلیغی مقصد کی گرفت سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئے تھے۔ شبلی کی طرح حالی کے حیات جاوید میں بھی یہ تبلیغی آواز بار بار سنائی دیتی ہے، اور خطابت کا یہ عنصر اس دور کا عام رواج تھا۔ شبلی اس زمانے میں جتنے بھی لوگ لکھتے تھے، گویا بول چال کی روایت بہت زیادہ پرانی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی خطابت کا عنصر گویا اس زمانے کے تمام لوگوں کی تحریروں میں ملتا ہے، حیات جاوید بھی اس سے گویا خالی نہیں ہے۔ حیات جاوید جن چند اسباب کی بنا پر ایک معیاری سوان عمری نہ بن سکی، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں ایسا ترغیبی مواد موجود ہے جس کا سوان عمری سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگرچہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ حالی کی ترغیبی آواز میں شبلی کی آواز کسی شدت نہیں، وہ یہاں بھی نرم اور معتدل ہیں، دیکھا جائے تو حیات جاوید یادگار غالب اور حیات سعدی دونوں سے بہتر ہیں۔ البتہ یہ دونوں اس لیے زیادہ پڑھی جاتی ہیں کہ حیات جاوید کے مقابلے میں یہ دونوں مختصر ہیں۔ یہ یادگار غالب اور حیات سعدی، یہ دونوں کتاب حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ یادگار غالب جو ہے وہ غالب کے سوان حیات ہے، اور حیات سعدی وہ شیخ سعدی جو مشہور شاعر ہیں فارسی کے، ان کی سوان حیات ہیں۔ لیکن یہ دونوں اتنا طویل نہیں ہے جتنا حیات جاوید ہیں، اس لیے یہ دونوں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور حیات جاوید گویا اس کے مقابلے میں کم پڑھا جاتا ہے۔ حالی کی تصویر آفرینی کا انداز سر سید سے ملتا جلتا ہے، تاہم ان کے بیان میں سر سید کے بیان کے برعکس شعریت زیادہ ہے۔ تصویر آفرینی یعنی تصویر پیدا کرنے کا ہنر تو دونوں کے یہاں ملتا ہے، حالی کے یہاں بھی اور سر سید کے یہاں بھی، لیکن سر سید کے بیان کے برعکس شعریت اس میں زیادہ ہے۔ یہ شعریت حیات جاوید میں بھی ہے، ان کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حالی خود بھی شاعر تھے، سر سید تو شاعر تھے نہیں، اس لیے سر سید کی نثر میں وہ شاعری اتنی شعریت نہیں ملتی ہے جتنی حالی کے یہاں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بھی شاعر تھے، تاہم دوسری کتابوں کی نسبت اس میں یہ عنصر ذرا کم ہے۔ ان کی دوسری کتابوں میں جتنی زیادہ شعریت ملتی ہے، حیات جاوید میں اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے، اس لیے پڑھنے والے کو اس میں خیالی مسرت ذرا کم ملتی ہے۔ حیات جاوید میں اسلوب بیان کی باقی خصوصیات وہی ہیں جو عموماً حالی سے منسوب ہیں، فقرے سادہ مگر طویل ہیں، بیان منطقی ہے، مدلل نیز تحریر سے خلوص، صداقت اور ہمدردی کے جذبات نمایاں ہیں۔ یہ ان کا اسلوب تحریر، حالی کا یہ اسلوب تحریر گویا صرف کسی حیات جاوید تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام تصنیفوں میں، تمام کتابوں میں آپ جائیے گا تو یہ خوبیاں اور یہ خصوصیات ان کی تمام تحریروں میں ملتی ہیں۔ استعارات، تشبیہات، رعایت لفظی اور ظاہری تکلفات سے حالی کو دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عربی فارسی کے ثقیل اور نامانوس الفاظ کے استعمال سے بھی گریز کیا ہے، جہاں تک انہوں نے اپنی نثر کو سادہ رکھا ہے، اور ایسے الفاظ جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکے اس کو انہوں نے استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ وہ نثر میں شاعرانہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ شعریت ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ شاعرانہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کی نثر اس کے شعریت میں دب کر گم ہو جائے۔ ان کی نثر میں متانت ہے اور سنجیدگی ہے، ظاہر سی بات ہے سر سید کی شخصیت پر لکھنے کے لیے ان کے یہاں شوخ رنگ تو ہونا کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی نثر میں متانت اور سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ جدید اردو نثر میں حالی کا بڑا مقام ہے، بقول نواب عماد الملک، ہماری زبان میں نثر تھی ہی نہیں، وہ ایک قسم کی شاعری یا نیم شاعری تھی۔ حالی سے نے سب سے پہلے متین اور حقیقت کی ترجمان نثر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پہلے تو گویا حقیقت کے ترجمان نثر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، حقیقت کی ترجمانی گویا حالی کی نثر میں ہمارے خیال میں سب سے پہلے ہوئی، جو ہر قسم کے علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ ان کی نثر میں سادگی اور مدعا نگاری کا اجتماع ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ مقصدیت بھی ان کے یہاں سادگی بھی ہے، لیکن اپنے مقصد کو بیان کرنے میں وہ کہیں پر بھی شاعرانہ انداز اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے حقیقت کا ترجمان بنا کے اپنی نثر کو پیش کرتے ہیں۔
اور بے ساختگی کے باوجود ادبی تخیل کی کارفرمائی بھی ہے. اس کے ساتھ تمثیلوں نے اس میں مزید لطف پیدا کر دیا ہے. انہی سب خصوصیات کے سبب حیات جاوید کو ایک مکمل سوانح ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. تو یہ حیات جاوید کی چند خوبیاں تھیں. حالی کے نظری اسلوب کی چند امتیازات تھے, چند اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور آپ نے اس کو دیکھا بھی اور پڑھا بھی. امید ہے آپ اسے استفادہ کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ.